जहानाबाद के अबगीला में भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, मीडिया से बात करते हुए बिहार सरकार पर जमकर साधा निशाना। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के पुण्यतिथि के बाद अबगीला में एक समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और खूब आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिस कदर महागठबंधन के मुखिया नीतीश जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, यह देखकर बिहार के लोग भयभीत हैं। महागठबंधन की सरकार के कार्यकाल के दौरान 4000 से अधिक हत्याएं हुई, 500 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, और तो और अभी कुछ दिनों पहले मंदिर के पुजारी को अपराधियों ने उठा लिया, उनकी निर्मम हत्या कर दी। लेकिन फिर भी महागठबंधन की गूंगी बहरी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगी। और तो और जिस तरह अपराधियों का बिहार में बोलबाला है, ऐसे में सरकार अपराधियों के सामने बिल्कुल लाचार दिख रही है, जिसकी हम सभी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। और नीतीश जी को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द बढ़ते अपराधिक घटनाओं पर रोकथाम लगाए, नहीं तो आने वाले समय में इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जी के परिवारों के तरफ से वृद्धाश्रम का शिलान्यास हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी जी, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, उनके कर कमलों द्वारा हुआ, उस कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित होने के लिए आए हैं। आज बिहार में विधि व्यवस्था चौपट हो गई। आप देख रहे हैं कि बिहार में किस प्रकार से, जब से यह महागठबंधन की सरकार नीतीश जी की और तेजस्वी जी की सरकार बनी है, तब से अभी तक 4000 से ज़्यादा हत्याएं हो गई, 500 से ज़्यादा यहाँ माँ बहनों के साथ बलात्कार हो गया, सैकड़ों डकैती, हत्या और हजारों जघन्य अपराध हुए हैं। और बिहार की सरकार गूंगी बहरी बैठी हुई है। किस तरह से एक मंदिर के पुजारी की हत्या की जाती है, उठाकर ले जाया जाता है, अपहरण उसका किया जाता है, फिर निर्ममता के साथ उसकी हत्या होती है, जीव काट लिया जाता है, गुप्तांग काट लिया जाता है, आँख निकाल लिया जाता है, अंग को छत बिछत किया जाता है, और यह सरकार चुपचाप बैठी है। यह गूंगी बहरी लाचार सरकार, विधि व्यवस्था इस सरकार की बिल्कुल चौपट है, बिहार भय के वातावरण में है, और इस प्रकार की निर्मम हत्या करना इस सरकार की नाकामी का बहुत बड़ा यह झलक है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं स्पष्ट रूप से बिहार सरकार को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मंदिर के पुजारी को उठाकर हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई है, आप उस पर सख्त कार्रवाई कीजिए, बहुत महंगा पड़ेगा, बिहार के लोग भय के वातावरण में हैं। और आप सर, कांग्रेस कह रही है कि जब लोकसभा सदन सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षा कैसे होगा? इस पे जांच चल रही है, जांच की बातें सामने आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।